इसे देखकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना। ये बहुत डिलीशियस डिश है। आप कचौड़ियाँ तो दाल की और आलू की भी खाते हैं, पर ये कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी जो सबसे अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल गर्म हो चुका है। डालेंगे जीरा, जीरे के बाद डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे अच्छे से पकाना है हमें 5 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से पक चुका है, तो अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने मसाले। तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है, और इसे पानी डालकर इसे अच्छे से पकाना है मसाले को। इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ सनई के फूल, जो बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि ये इनकी सब्ज़ी बनती है बहुत अच्छे तरीके से अगर आप बनाना चाहें तो। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसमें डालेंगे पानी ऐड करके, वरना ये सूखे सूखे रह जाते हैं और इनकी सब्ज़ी अच्छे से बनती है थोड़ा से। तो अब इसमें ऐड करेंगे पानी, पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है वरना ये नीचे चिपक जाते हैं। तो इसे पानी डालने के बाद अब कर देना है एक प्लेट से बंद। इसे हमें पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलिए तब तक दूसरी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप आटा लिया है और इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन को हाथ से थोड़ा रगड़ देना है हमें, रफ करना है, उसके बाद डालना है उसमें। आधी चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच रिफाइंड तेल डालना है हमें, 1 से 2 चम्मच ऐड करना है रिफाइंड तेल। डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से हमें गूंथना है, जैसे हम आटा या फिर पूड़ियों का आटा गूंथते हैं ना, एकदम मुलायम सा, उस तरीके से हमें इसे गूंथना है अच्छे से। तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथेंगे अच्छे तरीके से, और इसमें तेल पड़ा हुआ है तो इसे पहले हम आटे को अच्छे से मिलाना है, उसके बाद पानी डालकर इसे गूंथना है हमें। तो यहाँ पर ये गूंथ कर तैयार हो चुका है, तो इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए, फिर 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे बंद करके रख दीजिए। तो चलिए तब तक देखते हैं अपनी सब्ज़ी को। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी तो शायद पक चुकी है। वाओ, ये एकदम अच्छे तरीके से बन चुकी है। तो यहाँ पर ये मुझे थोड़ी सी सूखी सूखी दिख रही है, तो यहाँ पर मैं तेल डालकर इसे थोड़ा सा और थोड़ा खड़ा करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर खरी खरी हो जाती है ना, तो इसे हल्का सा मुलायम करना है और इसे पूरी कढ़ाई में फैलाना है तब तक थोड़ी देर ठंडाई होने के लिए। तो यहाँ पर ये ठंडी हो रही है, इसे कढ़ाई में फैला देना है हमें। अब निकाल कर रख लेते हैं इसे एक प्लेट पर, क्योंकि अब हमें करनी है अपनी कचौड़ियाँ तैयार। मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग घर पर इसे एक बार ट्राई करें तो अपने घर की लोहे की कढ़ाई में बनाएं, तो उसमें बहुत अच्छी बनती है। तो ये बनकर तैयार हो चुकी है, देखिए ये कुछ इस तरह से लगती है बनने के बाद। तो चलिए यहाँ पर मैंने रिफाइंड तेल डालकर रख दिया है अपने कढ़ाई में। तेल तब तक गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आटे की लोई काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बड़ी लोई ली है, इसे इस तरीके से गोल गोल आप अपने पाटे पर करिएगा जिस पर आप रोटियाँ बनाते हैं, इसे इस तरीके से करना है हमें। फिर हमें हाथों से इसे चारों तरफ इसको गोल गोल करना है ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। फिर इसके बीच में हमें स्टफिंग फिल करनी है अपनी सब्जी की, आलू की और दाल की तो कचौड़ियाँ सब भी खाते हैं ना, तो एक बार इसे ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। तो इसे इस तरीके से डालकर हमें इसे बंद कर देना है, और जिसे ये डिफ़िकल्ट लग रहा हो कि इसे कैसे बंद करना है, तो आप लोग मोमोज़ तो घर पर ही बनाया होगा ना, तो उस तरीके से इसे डिज़ाइन बनाकर इसे भरना है हमें। और ये बनकर तैयार हो चुकी है, तो थोड़ा सा आटा डालकर अपने पाटे पर इसे इस तरीके से हाथों से करेंगे। हमें बेलन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना वरना ये फट जाएगी, तो अपने हाथों से इस तरीके से हमें करना है। तो ये बनकर तैयार हो चुकी है, तो मैं रख लेती हूँ इसे अपने प्लेट पर, तब तक मैं दूसरी बना रही हूँ अभी। हमारा आटा ये बिल्कुल मुलायम हो चुका है, तो इसे ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें,
इसे इस तरीके से हमें करते जाना है और अपने हाथों से चारों तरफ इसे गोल गोल करना है। और ये शेप आप देना बिल्कुल मत भूलें, वरना ये एक साइड से मोटी और एक साइड से पतली हो जाएगी। कितनी अच्छी दिख रही है, इसमें हरा धनिया पड़ा हुआ है। तो इसमें फिर से स्टफिंग फिल करनी है हमें इस तरीके से, और फिर से इसे बंद करना है हमें। ये बनकर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल गोल गोल एकदम, ये बहुत मुलायम है। तो चलिए इसी तरह से मैं अपने सारे कचौड़ियों को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी कचौड़ियाँ बन चुकी हैं, तो चलिए निकालते हैं इसे तेल में। तेल भी गर्म हो चुका है, तो डालेंगे अपनी कचौड़ियों को। ये बहुत अच्छी दिख रही है, और इन्हें अच्छे से पकाएंगे थोड़ा सा लो फ्लेम पे करके, क्योंकि हमारा तेल गर्म हो चुका है। जब तक ये गोल्डन कलर की ना हो जाए इस तरीके से, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, एकदम खस्ते की तरह दिख रही है ये। तो इसी तरीके से हमें बनाना है, आपको इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है ताकि ये अच्छे से गोल्डन कलर में आ जाए और अच्छे से पक जाए अंदर तक। इसमें कलर बहुत अच्छा आया है, ये आपको दिख रही होगी कढ़ाई में। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। वाओ, ये आपको लग रही है ना एकदम खस्ता कचौड़ी जैसी। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। तो इसे डालेंगे एक प्लेट पर। यहाँ पर मैंने नीचे टिश्यू डाला था ताकि ये तेल थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर ले, अगर ज़्यादा तेल आ जाए कभी बाई चांस। तो यहाँ पर हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बिल्कुल आप इसे तोड़ोगे ना ये बहुत अच्छी तरीके से एकदम क्रंची टाइप की टूटेगी, बिल्कुल खस्ते के तरीके। तो हमारा सुबह का नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारी जल्दी जल्दी जो वीडियो आने वाली है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।